ये देखो ये हो गया है हो गया है। ये तो आपने शौक दे दिया हमारी ऑडियंस को। गोली मारो बच्चे शौकिया रे। So, दोस्तों इसको स्मृति छावड़ा को हमने सुबह से सस्पेंस में रखा था, आपको तो पता है वही वाली बात, इनकी वाली बात। तो अब स्मृति छावड़ा जी को हम वो रिवील करने जा रहे हैं। नहीं, हम सुबह से चुन मची हुई थी। मैं नहीं, जल्दी से कर दे। स्मृति को मैं अलग से बताऊंगी। अलग से नहीं, अभी बता। यार नहीं, तुझे पता है इसने अपने बर्थडे के दिन क्या करा है? क्या करा है बता जरा, क्या करा है दिखा। मतलब लगा मेरी बातों से यार, बर्थडे के दिन क्या किया? क्या किया मैंने? दिखा उसको क्या किया। इतना मत परेशान कर, मैं तुझे बोल रही थी बार बार कि मैं न्यू ड्रेस लेनी है, मुझे लेनी है, उसके बिना वो नहीं चलेगा। तब भी तुझे समझ में आ रही है? अरे यार डेट पे गई है क्या यार? सोच तो सोच, क्या हो सकता है सोच। स्मृति यार तुझे एटलीस्ट ड्रेस लेने गई है। हाँ, तो कोई शादी वादी कर रही है? एंगेजमेंट हो गई क्या? उंगली दिखा इसको अपनी, जल्दी उंगली दिखा। उंगली तो दिखा दे, उंगली तो दिखा दे, उंगली दिखा इसको। यार तो मुझे उंगली दिखाई थी ना तूने, उंगली दिखा इसको। मेरी उंगली में पकड़ लिया था रिंग। दिखा रिंग, आजकल वो नया फैशन। तो दिखा तो दे, दिखा तो दे उसको, तो दिखा दे। देखिए देखिए देखिए, लड़का दिखा। लड़का सीए है, करकडूमा में है, पापा की प्रैक्टिस में है। वाहे गुरु वाहे गुरु। यार अमन कैमरा बंद कर, मैं थप्पड़ मार दूंगी तुझे। गरिमा भी प्रैक्टिस में जा रही है। हां तभी देख रही है तू, देख रही है जी भाभी, देख रही है तू जीटी में ग्लोबल का है ना? अब तो आ गया। हां वो किस में है? इंडिया में। अरे कोई और ही बात स्टार्ट कर दी तुमने, मुद्दे की बात पे हो। लेकिन तुझे एक्साइटमेंट ही नहीं है इसको, भैया फिर से नौकरी की बात करनी है। अबे तो लड़का दिखाना। अच्छा हाँ। लेकिन वो इस पे नहीं जाएगा। रिंग तो इसने इतने ड्रामे कर करके दिखाई है। कितने की आई है ये रिंग? उससे पूछी थी तूने? यार ऐसे ऐसी बातें नहीं पूछते। लड़का सीए है, घर की प्रैक्टिस है, तो रिंग तो भाई कम से कम तो 10 लाख की तो होनी चाहिए। यार क्या यार अमन, अरे हमारी ऑडियंस को लगता है सीए बहुत पैसा कमाता है, 10 लाख की होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तुझे मेरे हालात देख के लग रहा है सीए कितना पैसा कमाता है? सीए बहुत पैसा कमाता है, हमारी ऑडियंस को लगता है सीए बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, तो तुम्हारी रिंग 10 लाख की। अरे पैसे गिर गए, पैसे पैसे छोड़, गिरी चीज नहीं उठाते, नीचे फेंक दे। चलो यार अभी चल रहे हैं यार, चलो पार्टी के नजारे। पार्टी है अब तो कुछ, अब तो पार्टी अब ये घर नहीं जा रही। अब ये इसकी बर्थडे की पार्टी भी ड्यू है, अब इसकी रोके की पार्टी भी हो गई है, दो दो पार्टी। यार वैसे जाना कायदे से तो घर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन यार अब हम लेट पहुंचे, मैंने तो छुट्टी ले ली है कल की, काम कर रहे थे 9:30 बजे तक। 1 घंटा लेट चली जाऊंगी तू पार्टी पे। देखो दो कंट्रोल करने थे ना यार, सती क्या दो कंट्रोल खत्म कर, टेस्टिंग करनी थी ना, भूल गए। अब ये काम ही भूल गए। खेल खेल के ना काला हो गया, इधर आ रही है अच्छी, ठीक है ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना सीधी कर रही मैं, ये नहीं हूँ ऐसे कर दे चल कि गाली दे रही है। अब तो कर दे, अगले हफ्ते पार्टी लेनी है ऐसे यार। अब यार फिर वो दिन खत्म हो जाएगा, अब वो बर्थडे खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया बर्थडे? ऐसे नहीं खत्म होगा, नो नेवर। नहीं यार बर्थडे भी तो फिर चला जाएगा। हाँ ले लो यार, सुन क्या लेना है बताओ। हाँ कहाँ लेना है? यार मेरे पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा खत्म कर दिया। मेरा होने वाला पति मुझे क्या कहेगा? क्या कहेगा? पावर टाइम होया चेंज थले ओही काली सोनेट विच ओही सेम यार ते साडे ओही सेम। अब तो थाईलैंड जाएंगे बीफ ने। थाईलैंड में बैचलर, थाईलैंड में बैचलर, छावड़ा जी की भी बैचलर्स होगी, गरीबा जी की बैचलर्स थाईलैंड में। वोटिंग चालू क्यों नहीं होगा? होगा ना, जाएंगे थाईलैंड। नो टू थाईलैंड, यस टू थाईलैंड, नो यस नो। गाइस आप बताओ थाईलैंड जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए या सिंगापुर? तीन तीन ऑप्शन दे दिए अभी। बाली चल, चार बाली, थाईलैंड, सिंगापुर
दुबई बाली चार ऑप्शन है, आप बताओ। मेरा तो जी वोट है थाईलैंड को, स्मृति छावड़ा का कौन सा वोट? जा स्पॉन्सर कर दो। चलो इसका फिर थाईलैंड में, इसका भी नाम थाईलैंड में डाल दिया, तो अभी थाईलैंड टॉप पे चल रहा है। ठीक है जी, स्पॉन्सर कर रहा है तो मैं भी अगली हूँ। स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जो तेरी गड्डी गिरी है ना उठा ले उसको। यार नहीं करेंगे ब्लॉग को, प्राइवेट करके डालेंगे। क्लोज फ्रेंड्स दिखाना, फोटो दिखा दे यार तू मेरे को व्हाट्सएप कर दे। हाँ बहुत बढ़िया आइडिया, अगर तूने दिखाया ना फिर मैं मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये भी ना मेरे को दिखा दी थी इसने, वैसे मेरे को दिखाने की नकल कर रही है। नहीं तेको अलग, तेको अलग से कुछ स्पेशल बताया भी नहीं स्पेशल। अरे इसको भी जो तेरा फुद्दू काट है ना, मैं होता ना तो मुझे कहती सैटरडे को मैं तेरे को बुलाऊंगी आ जियो। प्लान वही था कि एक ही बार सबको क्या काटा है, फोन तक नहीं उठाया भाई, फोन नहीं उठाया। कितना झूठी है ये, कितना झूठी है, देख झूठी भी बोल दिया। देखो बोल रही हूं मैं, झूठी थोड़ी ना हूं गाइस, मैं झूठी नहीं हूं। दुबई बताओ, चल बंद करता हूँ अभी, बंद करके दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, अल्टीमेट टू टाइम्स अल्टीमेट, अभी रुक जाओ अभी आएंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट देखे ना मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा मुझे पुरानी वीडियो में लाइव आना पड़ेगा जी आपके साथ दुख बांटने। दुख और सुख जिंदगी का पार्ट है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे से ज़्यादा मज़े लिए नहीं जा रहे, मैं आपको सही बात बताता हूँ क्या, ये जो व्लॉग बना है ना जी, ये कुछ ऐसे प्लान नहीं था, बट जब सुबह सुबह हमें गरिमा जी मिली पिछले व्लॉग में, तो उनके हाथ में मैंने ये रिंग देखी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहानी बताई और उस कहानी में मैं बह गया, मैंने मान ली, बेसिकली मेरे साथ प्रैंक हो गया जी। ऐसा कुछ नहीं है, गरिमा जी कोई एंगेज विंगेज नहीं हुई है, तो आप खुशी मना सकते हो। एनी हाउ, तो उन्होंने जब मुझसे मज़े लिए तो मुझे बड़ा फील हुआ, मेरे से मज़े ले लिए और मेरे व्लॉग में मेरी बेइज्जती तो मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा ये मज़े कंटिन्यू करेंगे हम, जो जो हमें ऑफिस में मिलेगा। स्मृति छावड़ा जी मिली हमें एंड उनसे हमने पूरी शाम तक मज़े लिए, जैसा कि आपने इस व्लॉग में देखा ही। फिर मैंने कहा अभी भी मज़ा नहीं आया, हमारी ऑडियंस से भी थोड़े मज़े ले लिए जाए, क्योंकि आपसे मज़े लिए जाएंगे तो आपको व्लॉग देखने में मज़ा आएगा ना, तो इसलिए आपसे थोड़े बहुत मज़े ले लिए गए जी, और बाकी कुछ नहीं है। आप खुशियाँ मनाओ, गरिमा जी अभी छड़ी है एंड हम भी छड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो भाई साहब, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच हो, क्योंकि हम यूट्यूबर्स बहुत तेज होते हैं, दिखाते वही हैं जो आप देखना चाहते हो। ठीक है जी, तो इसलिए उल्टा सीधा मत समझा करो ना लिखा करो, मजाक में ठीक ठाक थोड़ा बहुत चलता है, बट ज़्यादा मत लिखा करो, क्योंकि हमारे भी घर वाले देखते हैं, गरिमा जी के भी घर वाले देखते हैं, वो भी कमेंट्स पढ़ती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो गरिमा जी अगर आपको ज़्यादा इसमें कुछ बुरा लगा हो या कुछ ज़्यादा हो गया हो, वैसे आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है, बट अगर हो गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी एंड ऑडियंस की तरफ से भी हम सॉरी मांगते हैं, बट मज़ाक हुआ है जी, आपने बहुत अच्छे मज़े लिए एंड जी ये मुझे बताया मेरे ब्लॉग से मज़े बहुत लेते हो, बट बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे जी अभी तक, उधर ही अटके पड़े हम 30-30 हज़ार पे, ऐसे मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो आगे जाके कुछ अच्छा, क्या पता मुझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अगर आप चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरे में मोटिवेशन आएगी, मैं व्लॉग बनाऊंगा अपनी ज़िंदगी के मज़े आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज तो जी कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम बनाते रहे फ्री फंड में, एफर्ट डालने का मज़ा नहीं आता ना दोस्तों। हाँ बस आपने इतने फेमस कर रखे हैं लोग, एलवेश यादव ये वो, क्या करते हैं वो, कुछ नहीं करते जी, बस मुँह में जो आया वो बोलते रहते हैं, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा किसी के, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग सच में मेहनत करते हैं, जो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करो आप, क्योंकि फिर हम उनसे भी बड़ी आर्मी बनाएंगे जी, समझ रहे हो, अल्फा आर्मी जो बनेगी ये सबसे बड़ी बनेगी और सबसे तगड़ी बनेगी, इसमें जो ऑडियंस होगी ना जी वो बहुत तगड़ी ऑडियंस होगी, समझदार बच्चे होंगे, समझदार लोग होंगे, तो इसलिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट और शेयर करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि एल्गोरिथम को तभी समझ आता है, तो शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब थोड़ी सी और वीडियो बची है, इंजॉय करो। हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, क्या 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 अच्छा आई गिरु भगवान पूजा पाठ करके दिखाओ क्या
मुंडी हिला रहे हो वह मुंडी हिलाएंगे मौन व्रत टुडे नो स्पीकिंग व्हाट इज योर नेम माय नेम इज इकबाल गौर आई क्यू बी एल ठीक है मूड नहीं है अभी बनाते हैं ये तेरी मम्मी है तेरी माँ है और बिस्तर लेटे हैं गल्ला कर रही है अभी है ये आपके है ये उनके है ये दादी है किसकी दादी हमारी भी दादी ही है ना आपकी दादी है हमारी सास तो है आपकी सास है वो और क्या आपसे शक्ल मिलती है तू थोड़ा बोलती है आपसे शक्ल मिल रही है अरे जब से हमारी शादी हो रही थी पहले से ये हमारे एक दादी है मुझे लेके आए थे Let's go.